अलिफ को अलिफ बनाने के लिए 63 डिग्री पे हम लोग पेन रखेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। अलिफ हमारा 3 कद का होता है, 1, 2 और 3। ठीक है, बे बनाने के लिए हम लोग को पहले 60 डिग्री पे हम लोग अपना पूरा पेन रखेंगे, उसके बाद वहीं से कर्व ले जाना शुरू करेंगे। और बे जो होता है हमारा वो 11 कद का होता है। ठीक है, पेन रखना 11 कद का हमारा बे होता है, और बे को जब हम लोग लास्ट में ले जाके कर्व करते हैं तो पेन पूरा ही उल्टा रहता है, और उसको हम लोग ऐसे करके कर्व कर देंगे। हम लोग की ये जो दूरी होती है ये 1 कद की होती है, और बे पूरा हम लोग का 11 कद का होता है। ठीक है, ते बनाने के लिए हम लोग को पहले स्ट्रेट पूरा पेन रखना है, उसके बाद फिर ते को गोलाई देनी है थोड़ी सी, और ते जो हमारा होता है वो 5 कद का होता है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 कद का ते होता है, 11 कद का बे होता है, और 3 कद का अलिफ होता है। और नुक्तों को हम ऐसे बनाते हैं, ते का नुक्ता हम ऐसे पहले सीधा नुक्ता देते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पे ये पॉइंट मिलता है उधर से ही दूसरा नुक्ता दे देते हैं। ठीक है, बे बनाने के लिए तो हम लोग को एक ही नुक्ता बनाना है, वो आप लोग को पता ही है। जीम बनाने के लिए हम लोग 60 डिग्री पे पहले पेन रखेंगे, उसके बाद नोक से ही हम लोग कर्व करेंगे डबल कर्व, उसके बाद नोक से ही हम लोग इसके बराबर तक लेके आएंगे इसके स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ये 3 कद का होता है हमारा, 1, 2, 3, 3 कद का ये होता है। उसी के बाद हम लोगों को गोलाई देनी है, गोलाई हमारी 3 कद की होती है, 1, 2, 3, और गहराई जो होती है हमारी वो 1.5 कद की होती है, और जो नोक होती है वो 1 कद की होती है, और जो बीच का गैप होता है वो हमारा 3 कद का होता है, और हमारा जीम कंप्लीट हो जाता है। ये नुक्ता लगा देंगे हम, बस कंप्लीट। सीन बनाने के लिए हम लोग को पहले सीधा पेन रखना पड़ेगा, उसके बाद नोक से ही हम इसका सर बनाते हैं, और थोड़ा सा सर इसका जो होता है वो तिरछा होता है, 1.5 कद का होता है, ये हमारा 1/2 कद का होता है, ये 1 कद का होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो नोक से ही हम लोग सिधाई इसकी ले जाएंगे, जो सिधाई हमारी होती है वो 2 कद की होती है, 1 और 2 कद की सिधाई होती है हमारी। उसी के बाद हम दायरा बनाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी गोलाई होगी इसकी वो 3 कद की होगी, 3 कद की हमारी गोलाई होती है और 1.5 कद की हमारी गहराई होती है। 1, 2, 3 कद की हमारी गोलाई हो गई और 1.5 कद की हमारी गहराई हो गई, और जो बचा है वो 1 कद की हमारी नोक होती है। ठीक है, और जीम हमारा कंप्लीट हो जाता है।